मित्रों को, सभी प्रेस बंधुओं को हमारा सादर नमस्कार और इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पीसी का उद्देश्य यही है, जैसे आप सब लोग अवगत हैं, जैसे हम सब लोग अवगत हैं, कल हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हमारे रायबरेली में लगा हुआ है। कार्यक्रम स्थल ITI स्पोर्ट्स ग्राउंड और समय 12 बजे तक हम सब लोगों को वहां पहुंचना है, तो अपने मीडिया के मित्रों के माध्यम से अपनी जनता तक मैं बस ये उपदेश पहुंचाना चाहती हूं, ये संदेशा पहुंचाना चाहती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम सब महाराज जी के कार्यक्रम में, अपने मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुँचें, उनके विचार सुनें और जो भी कल गतिविधियाँ होगी उसका हिस्सा बने। यही मेरा आप सब लोगों से, उन्नाव से हमारी यात्रा आ रही है जिसके कुछ चंद स्वागत पॉइंट बने हुए हैं जो पार्टी आपको उपलब्ध करा देगी और यात्रा का समापन यही होगा ITI स्पोर्ट्स ग्राउंड में ही होगा जहां यात्रा का विलय हो जाएगा। यही उपलक्ष्य है कि जैसे आप सब अवगत हैं, कल हमारे अपने शहर रायबरेली में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, उनका यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है। साथ ही साथ जो हमारी यात्रा चल रही है उसका भी, जन विश्वास यात्रा, उसका भी विलय होगा जो सभा है, जो ITI ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड है शिवाजी नगर है, और तकरीबन 12 बजे से शुरुआत हो जाएगी कार्यक्रम की। तो अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से, अपने मीडिया के मित्रों के माध्यम से अपनी जनता तक हम बस ये संदेशा पहुंचाना चाहते हैं कि कल के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के आएँ, सब लोग अपनी भागीदारी दें और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो ख्याल हैं, जो जो उनके वो हैं, आइडियाज़ हैं और जो उनके विचार हैं, उनको सुने ज़रूर 12 ITI ग्राउंड। आपने अभी बताया कोई सौगात मिल सकती है जनपद को, किस तरह की सौगात मिल सकती है? अब वो तो मैं ऐसे नहीं बता सकती जब तक कोई चीज़ क्लियर ना हो जाए, पर यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रायबरेली में कराने का प्रयास किया है। पूरे 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य मैंने लोकल विधायक होने के नाते कराने का प्रयास किया है और आगे भी यही विकास की कड़ी जो है वो बनी रहे, इसी विकास पथ पे हम लोग अग्रसर रहें, यही हमारा प्रयास है और उसमें जितना हमसे हो सकेगा, आपकी विधायक होने के नाते मैं हमेशा सदैव रहने का। रैली की शुरुआत कहाँ से होगी और एंडिंग कहाँ? रैली की